कृतिका कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैं उस वक्त वहां तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे अचानक किसी काम से जाना पड़ा। पता नहीं ऋषभ, कौन साथ में है और कौन नहीं। मुझे तो बस्ती वालों की फिक्र हो रही है। बाल बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या होगा उनका? हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए ऋषभ, कुछ नहीं। कृतिका, मैं अभी चलता हूं, तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते आंटी। मुझे देखने आई है मम्मी, देखना है तो उस बस्ती में जाकर देखिए। आप समझ सकती हैं क्या बीत रही होगी उन लोगों के दिलों पर जिनके सर से छत छीन ली गई है? कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या कसूर था उनका मम्मी? किस बात की सजा दी गई है उन्हें? हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन मैं आपकी भावनाएं नहीं समझ पाई मम्मी। देखो कृतिका, किसी को बेघर करके हमें खुशी नहीं मिलती। हम ये नहीं चाहते थे। लेकिन मम्मी, इस हादसे के ऑर्डर तब पास हुए थे जब आप सीएम थी। जानते हैं, हालात और वक्त कभी कभी हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हम जो चाहते हैं वैसा कर नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी तो हमारे जैसी है। उसने हमसे सीखा है कि उसूलों पर ही चलना चाहिए। आप गलत समझ रही है मम्मी। अपने उसूलों की हिफाजत करना और दूसरों की खुशी के लिए जीना मुझे पापा ने सिखाया है। तुम्हारे पिता ने भी हमें खुद अपने लिए जीना नहीं सिखाया। डॉक्टर से मिल के आते हैं। दीदी कृतिका को समझाइए कि ये तबाही हमारा मकसद नहीं थी। मैं प्रेमवदा के परिवार में किसी को एक दूसरे के लिए जीने नहीं दूंगी। सर, कुणाल साहब का फोन है। कुणाल बेटे, भाई हमें तो बहुत अफसोस हुआ। उस गरीब बस्ती के कम से कम 1,500 घर बेघर हो गए, कितनी जिंदगियां सड़क पर आ गईं। उन गरीबों का तो हमें बहुत दुख है ना भाई। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सुना था कि राजनीति में अक्सर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। आज देख भी लिया। भागवत जी, आग पर पेट्रोल छिड़कने की राजनीति तो कोई आपसे सीखे। बहुत बड़ी गलती की है आपने बस्ती में हादसा करवा के। ये क्या कह रहे हो कुणाल बेटे? अपनी पार्टी की गलती का इल्जाम हमारे साथ लगा रहे हो? ये फैसला तो तुम्हारी पार्टी का था ना? हम अच्छी तरह से जानते हैं भागवत जी कि ये फैसला किसका था। तभी तो आपने अपने बेटे को वहां से एन मौके पर बुलवा लिया था। हाल फिलहाल हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन हम वादा करते हैं आपसे भागवत जी कि इस मामले की तह तक जाएंगे। और जिस दिन हमारे हाथ सबूत लग गया, वो दिन आपके राजनीतिक जीवन का सबसे काला दिन होगा। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं भागवत जी, चेतावनी दे रहा हूं। और ये चेतावनी उनके लिए भी है
जो इस वक्त आपके साथ बैठे हमारी बातें सुन रहे हैं। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? कौन बैठा है मेरे साथ? आप ना समझे हो भागवत जी, लेकिन मुझे यकीन है कि श्री रघुनंदन त्रिपाठी जी जरूर समझ गए। भागवत जी, कुणाल चुप नहीं बैठेगा। कुणाल करण से थोड़ा अलग है। अगर कुणाल को जरा भी ये शक हो गया कि सासरे के पीछे हमारा हाथ है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। घबराओ मत रघुनंदन, जब तक सीएम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर भी विपत्ति आती है तो विपत्ति सी। हेलो श्वेता, मैंने कहा था ना दुनिया बहुत छोटी है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और बताओ कैसी हो? हाउ इज लाइफ? मैंने सुना है तुमने शादी कर ली और इन्फॉर्म तक नहीं किया। इट्स नॉट फेयर श्वेता, बहुत ऊंचा हाथ मारा है तुमने। एक्सक्यूज मी, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यही उम्मीद थी तुमसे। कॉलेज टाइम में भी तुम सब कुछ भूल जाती थी, मुझे याद दिलाना पड़ता था। हे राज है, राज खन्ना। राज खन्ना? अरे तुम तो बहुत बड़े फिल्मस्टार बन गए हो ना। श्वेता, तुमसे एक स्टार नहीं, एक दोस्त बात कर रहा है। क्या पूछ सकता हूँ कि सीएम फैमिली की बहू ने अपने इस दोस्त को अपनी शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया? सॉरी राज, लेकिन वो सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ ना, इसीलिए। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे बॉम्बे का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। मैं एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आया हुआ हूँ। लेट्स सेलिब्रेट, तुम्हारी शादी की खुशी में कल एक पार्टी रख लेता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना राज, मुझे बस अभी याद है कि करण के साथ मुझे कल कोई और पार्टी में जाना है। बहुत प्यार करती हो अपने हस्बैंड से। कोई बात नहीं, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए हूँ, तुमसे मिले बिना वापस नहीं जाऊँगा। मेरा नंबर सेव कर लेना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके बाय। बाय। थैंक गॉड कोई घर पर नहीं था। इस बार गलती मम्मी की नहीं है, गलती किसी की भी हो भाभी, लेकिन इतने सारे लोग, इनको इन सबको दोबारा घर बसाने में और कितना वक्त लगेगा। कृतिका, कृतिका, कृतिका कैसी हो तुम? कैसी हो कृतिका? उस हादसे में मैं भी मर जाती तो अच्छा होता। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया कृतिका, यकीन जानो इस बार मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उनसे कहा था काम रोकने के लिए, लेकिन देखो मैं बस्ती में तुम्हारी हिफाजत करने आया था, वहां तोड़ फोड़ करवाने नहीं। अगर मैं वहां नहीं होती तो तुम वहां नहीं आते। जानते हो इस हादसे में कितनी बहनें, कितनी माएं, कितनी बेटियां बेघर हुई है, उनके लिए घर क्या होता है, कोई अंदाजा है तुम्हें? तुम्हें कैसे समझाऊं इस बार गलती मेरी नहीं है। कृतिका प्लीज, प्लीज रोना बंद करो। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज रोना बंद करो। तुम्हें किसी के आंसुओं की कोई परवाह नहीं है, तुम वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है, बिना सोचे समझे। अंजाम के बारे में तो तुम कभी नहीं सोचते। अब प्लीज यहां से चले जाओ, कृतिका को और परेशान मत करो। हाँ श्वेता बोलो। करण कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है उर्वशी मम्मी जी को लेकर हॉस्पिटल गई है, उसे किसी ने कहा भी नहीं साथ चलने के लिए। पता नहीं ये उर्वशी चाहती क्या है, मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर मुझे मम्मी जी से दूर रखना चाहती है। आखिर क्या चाहती है वो, उसकी क्या दुश्मनी है मुझसे, क्या क्या प्रूफ करना चाहती है वो? शट अप श्वेता, जस्ट शट अप। हर बात का एक वक्त होता है। कृतिका घायल अस्पताल में पड़ी और तुम डोंट कॉल मी एंड डोंट बॉदर मी। जिसे देखो मैं ही मिलती, डांटने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। घर के लोग मुझे घर का मेंबर मानने को तैयार नहीं। और करण,
मेरा हस्बैंड जो मुझे सबसे सबसे ज्यादा जानता है वो भी मुझसे ऐसे बात करता है। शादी की है मैंने। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए हूँ, तुमसे मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। मेरा नंबर सेव कर लेना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। घर के लोग मुझे शायद रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, लेकिन आज भी सोसाइटी में श्वेता की रिस्पेक्ट करने वाले हैं। हेलो। हाय राज, श्वेता बोल रही हूँ। अगर अगर तुम बिजी नहीं हो तो आज मैं तुम्हारे साथ लंच के लिए आ रही हूँ। आई न्यू दैट तुम जरूर आओगी। ओके बाय, आई सी यू। गुजारिश की थी हमने आपसे, समझाया तो आपको, हमारी बेटी है वहां, अगर कृतिका को कुछ हो जाता ना। खरा क्यों नहीं मां, आज का हादसा मेरी वजह से नहीं हुआ है, 10 बार कह चुका हूं आपसे। आपके कहने पे मैंने समर को फोन कर दिया था कि आज कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पता नहीं कैसे फिर भी। लेकिन मां सच ये है कि मैं वहां बस्ती तुड़वाने नहीं, कृतिका को बचाने गया था। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। करण, हमें झूठ से सख्त नफरत है। तुम आदेश देते कि वहां पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, किसी की हिम्मत होती तुम्हारे आदेश को तोड़ने की? वहां बुलडोजर कैसे पहुंचे? नहीं जानता, नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता वहां बुलडोजर कैसे पहुंचे वहां, लेकिन मैंने नहीं भिजवा है। और मैं आपसे झूठ बोलूंगा? आपसे क्यों मां? पता नहीं किसी को इस घर में मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है, ना भैया को ना आपको। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं कृतिका का दुश्मन हूं? क्या उससे मुझे प्यार नहीं है? क्या उसकी आंखों में आंसू देके मुझे खुशी मिलती है? मां जवाब दीजिए। मां करण ठीक कह रहे हैं, मां इस मामले में इसका कोई हाथ नहीं है। करण का कोई हाथ नहीं, करण की कोई गलती नहीं, तो फिर किसकी गलती है? भारती दीदी कहती हैं उन्होंने ऑफिसर्स को मना किया था वहां कोई भी सख्ती करने से। ये कहते हैं इन्होंने समर को फोन किया था। किया था मां। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? किसकी इतनी हिम्मत कि मुख्यमंत्री के आदेश को नकार दे? मां हमें शक है कि इस हादसे के पीछे भागवत जी का हाथ है। विशाल प्रदेश में भागवत जी की नहीं, हमारी सरकार चलती है। भारती दीदी इस सारी वारदात की जांच करा रही है। जिस ऑफिसर ने किया है वो बचेगा नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि किस ऑफिसर की इतनी हिम्मत हुई कि मुख्यमंत्री के आदेश को नकार के अपनी नौकरी खतरे में डाल रहा है। पैसे में बहुत ताकत होती है मां, पैसा कुछ भी करवा सकता है। सीबीआई के शर्मा से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि कई बार उन्होंने रघुनंदन जी को भागवत जी के साथ देखा है और उन्हें शक है कि हादसे के पीछे उन दोनों का हाथ है। I'm sorry. उस दिन कृतिका को उस हालत में देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। श्वेता कहाँ जा रही हो तुम? आप मेरी सास हो, जो आपको बताकर जाना जरूरी है। जब आप कहीं जाती है तो आप मुझे बताकर जाती है? नहीं ना। एनीवे एक बहुत जरूरी काम है इसलिए बाहर जा रही हूँ, और प्लीज दोबारा मुझे मत टोकना। श्वेता सुनो, एक बात बताओ, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? क्यों इतना उल्टा सोचती हो? मैंने तुमसे ये बात इसलिए पूछी क्योंकि किचन की जिम्मेदारी तुम संभाल रही हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि मम्मी जी के लंच का तुमने कुछ किया है या फिर मैं करवाऊं। किचन का चार्ज मैंने संभाला है, लेकिन चार्ज संभालने का ये मतलब नहीं कि मैं इस घर की नौकरानी हूं।
और वैसे मैं अपनी जिम्मेदारियां जानती हूँ, आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने खाना तैयार कर दिया है और मम्मी जी खाना खा लेगी। और वैसे भी उनकी वफादार और आतिश बहू तो घर पर है ही। उन्हें खाना खिलाते वक्त मेरी कुछ बुराइयां करने का आपको मौका मिल जाएगा। सही समझे आप ऋषभ। मैं बाद में बात करता हूँ। कैसी तबीयत है कृतिका बेटी? आप जानकर क्या करेंगे हुँ? क्योंकि जिन लोगों ने अपनी राजनीति का खेल खेलना था वो तो खेल चुके, लेकिन एक बात वो भी याद रखें कि कृतिका को हॉस्पिटल पहुंचाकर कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया है उन्होंने। क्या मतलब? मुझे डेमोलिशन से ठीक पहले अपने बस्ती से बुलवा लिया। कहीं इस सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं था पापा? ये क्या बोल रहा है तू? अपनी छत के नीचे खड़ा होकर किसके घर की भाषा बोल रहा है? राजनीति में जरूर हूं, लेकिन किसी की बेटी को हथियार बनाने की राजनीति मैंने करता, समझा ना? जानता हूं पापा, आप तो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, क्योंकि झूठ बोलकर ही तो आपने मुझे बस्ती से यहां पर बुलवाया है ना। लेकिन एक बात याद रखिए पापा, झूठ बोलकर कुछ फायदा नहीं होगा। बस बस, मैं जो कुछ भी झूठ बोला तुम्हारी हिफाजत के लिए बोला। मेरे प्यार को मेरी कमजोरी मत समझना बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो, समझे ना? मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी है। लेकिन पापा, दिल्ली के एक बहुत बड़े लीडर की बेटी का रिश्ता है, कृतिका के साथ तो तुम्हारा सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है ना? बस तुम्हारी शादी हो जाए, मेरी चिंता खत्म। पता नहीं कब समझेगा ये। श्वेता, श्वेता, श्वेता घर पे नहीं है। कहाँ गई भाभी? मुझे पता नहीं, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन श्वेता का मोबाइल ऑफ, घर में किसी को बताया बगैर वो कहाँ जा सकते? Raj, you just gave him one kick. After that, we are proceeding next point. Excuse me, sir. Excuse me. एक मिनट गाइस, सलीम भाई दो ठंडा भिजवाइए। हाय श्वेता। ये प्रेमदा जी की छोटी बहू है ना? सुना है कि राज की पुरानी प्रेमिका है। Good to see you. Please come. सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? क्या हुआ, शादी वादी हुई कि नहीं? याद है तुम्हें श्वेता, तुम कहा करती थी कि मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो मेरे टाइप की हो। यू आर राइट, अभी तक नहीं मिली है। ओ प्लीज, ऑफ कोर्स आई नो, तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिली है। एक बात पूछो श्वेता। हाँ पूछो। श्वेता, ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है?